नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में नवजागरण काल के महत्वपूर्ण चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, कवि और वैज्ञानिक जो हुए, जिनके वजह से जो है यूरोप से नवजागरण का शुरुआत हुआ। खासकर दोस्तों इटली जो नवजागरण केंद्र रहा है वहाँ से शुरुआत हुआ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही पॉइंट वाइज रहेगा जो कि विभिन्न परीक्षाओं में और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नवजागरण काल क्या है, नवजागरण क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं नवजागरण के बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों नवजागरण, देखिए नवजागरण क्या है, तो इतिहास में, ये विश्व इतिहास में एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नवजागरण उस बौद्धिक चेतना को कहते हैं जो कि मध्य युग, मिडिल एज और मॉडर्न युग यानी आधुनिक युग की शुरुआत में ही हुए, इन दोनों के बीच में हुए। ठीक है, मध्य युग का जैसे ही खत्म समाप्ति हुआ और आधुनिक युग का जैसे ही शुरुआत हुआ तो इसके बीच में हुआ। देखिए हुआ क्या था कि 1453 ईस्वी में, ठीक है, 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया थी। तो इस कस्तुनतुनिया पर, जो कस्तुनतुनिया है, तुर्कों का अधिकार हो गया। अब जिससे क्या हुआ कि कस्तुनतुनिया यूनानी ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला का जो कि महत्व केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर जो है उस समय यूनान का जो ज्ञान था, विज्ञान था, दर्शन यानी फिलोसफी और कला, जिसमें बहुत सारे चीज आते हैं, साहित्य, विज्ञान वगैरह, तो इसका वो केंद्र था उस समय 1453 ईस्वी में। लेकिन अधिकार हो गया तुर्कों का। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो उन्होंने इसका महत्व नहीं दिया ज्ञान, ज्ञान विज्ञान, दर्शन, कला का। तो विद्वान जो दार्शनिक थे, कथाकार थे, कारीगर जो कि वहाँ रह रहे थे, वे क्या हुआ कि जो कि कसुनतुनिया था वहां से हटकर दूसरे अन्य देशों में जाने लगे। तो सभी लोग हैं चले गए दूसरे देशों में, जिससे कि दूसरे देश में जो जहाँ गए, चाहे वे वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या मूर्तिकार थे, तो वहाँ उन्होंने उसका विकास किया। लेकिन दोस्तों यूरोप के सबसे जिस देश में सबसे अधिक लोग गए वे इटली था, यानी इटली में सबसे अधिक लोग गए जो कि वैज्ञानिक, की चित्रकार, मूर्तिकार और अन्य लोग थे। इसलिए सबसे पहले जो है नवजागरण जो आया, नवजागरण का जो कंसेप्ट आया वो इटली में आया और इटली ही केंद्र रहा। लेकिन आसपास में जैसे कि इटली से, जो कि यूरोप का ही क्षेत्र, यूरोप के अंदर ही आता है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे में भी उसी तरह से फैले। तो आप कह सकते हैं कि इटली, ठीक है, इटली से फैला, फैलते गया और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी वो अच्छे से फैला। अब देखिए इसका क्या परिणाम हुआ, नवजागरण के अनेक परिणाम हुए, जैसे कि मानवता का विकास हुआ, अंधविश्वास था उसको अंत अंत हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उन्नति हुई। तो ये सारा चीज जो हुआ नवजागरण के कारण। तो आइए जानते हैं कि उसके बाद जो फैक्ट्स है उस पर बात करें हम लोग, विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक तरफ है वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक का नाम है यहाँ खोज और आविष्कार है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैंने खोज और आविष्कार लिखा है, इसका अंतर थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है ताकि समझ में आ जाए कि खोज और आविष्कार क्या करते हैं। देखिए खोज क्या है, खोज मान लीजिए कुछ ऐसा चीज खोजा गया जो कि उस समय के लिए नया है। मान लीजिए कुछ खोजा गया, आज के लिए वो नया है, लेकिन वो चीज पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, यानी कि पहले से था, लेकिन लोग जो है जानकार नहीं थे, अवेयर नहीं थे उस तरह के बारे में कि कुछ होता भी इस तरह का। और आविष्कार का अर्थ हुआ कि
आज के पहले लोग जानते भी नहीं थे, और ऐसा कभी कुछ किसी ने सोचा भी नहीं था, और पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे अच्छे से और भी समझ में आ गया। तो दोस्तों, विज्ञान में जो पुनर्जागरण हुआ, रिनेसेंस हुआ, उसके में फ्रांसिस वेकन और डेकार्ट ने वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की है। और देखिए, और उनके बाद जो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने जो खोजा, उनकी खोज क्या रही, आप इसे देखें और आसान से देखिए थोड़ा सा। अब गैलीलियो है, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। देखिए, दूरबीन एक्चुअली दूरबीन का आविष्कार किया क्योंकि ये अपने आप में पहले से कुछ विद्वान नहीं था, ठीक है, इसके पूरा तरह से इसको खोजा गया। अब देखिए, उसके बाद है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया। एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण तो पहले से था ही, लोग जानते नहीं थे, तो ये हमारा खोज हुआ गुरुत्वाकर्षण। अब नेपियर ने प्रतिकलन यानी कि लॉगरिथम का खोज किया। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यानी CO2 की खोज की। और गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन की खोज, ये देखिए आविष्कार, तो ये आविष्कार है, दूरबीन आविष्कार है, जबकि गुरुत्वाकर्षण, प्रतिकलन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है खोज है। दोस्तों, कोपरनिकस ने यह साबित किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस ने, याद रखेंगे। उसके बाद तो कोपरनिकस ने यह साबित किया था, यह प्रूफ किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक तो ये हुए, दूसरा है विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे जो है वे ऐसे खोजकर्ता थे जिन्होंने रक्त संचरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे विज्ञान के दृष्टि से, और ये सब नवजागरण काल में हुआ है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग चित्रकला पर, यानी कि पेंटिंग पर। देखिए, चित्रकार और चित्र जो उनके हुए बहुत ही फेमस है, और इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। पहले सबसे लेते हैं लियोनार्डो द विंची को। इन्होंने मोनालिसा जो कि बहुत ही फेमस उनका चित्र था, तो मोनालिसा जो चित्र था ये वह चित्र है जिसमें रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। लोग रिसर्च बहुत सारा रिसर्च हुआ कि जो मोनालिसा का जो चित्र था उसमें मोनालिसा जो मुस्कुरा रही थी वो उसका रहस्य क्या है। तो बहुत ही फेमस ये कृति थी लियोनार्डो दा विंची की, और ये इटली के निवासी थे जो कि इटली केंद्र था नव जागरण का, पुनर्जागरण का। अब देखिए, इनकी और भी कृति है, जैसे कि लास्ट सपर। देखिए, लास्ट सपर की विशेषता है कि यह ईसा मसीह एवं उनके अनुचरणों का चित्रण इसमें किया गया है, लास्ट सपर में। सारा ये पेंटिंग है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनकी कृति है लियोनार्डो दा विंची की वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन ऑफ द रॉक्स में कुमारी मेरी और शिशु ईसा का चित्रण किया गया है, यानी कि जो मेरी ईसा मसीह की जो माँ है उन दोनों का चित्रण किया गया वर्जिन ऑफ द रॉक्स में, तो ये इसकी विशेषता है। तो एक बात याद रखेंगे दोस्तों कि लियोनार्डो दा विंची का जो चित्र था मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ द रॉक्स बहुत ही फेमस रहा। हालांकि और भी बहुत सारे उन्होंने चित्र का जो है रचना किया है, बनाया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट। अब बात करेंगे माइकल एंजेलो की। तो माइकल एंजेलो का चित्र है लास्ट जजमेंट, और इसकी विशेषता देखिए, माइकल एंजेलो भी इटली के ही, इटली में ही वास करते थे, उनका जो है देश था। और लास्ट जजमेंट की विशेषता है कि ईश्वर के प्रेम और दया पाने की निराशा से भयभीत मानव का चित्र, ऐसा चित्र माइकल एंजेलो ने बनाया था जिसमें ईश्वर के प्रेम और दया पाने की निराशा से भयभीत मानव का चित्र। उसके बाद नेक्स्ट है राफेल, जो कि इटली के ही थे। राफेल इन्होंने सिस्टाइन मेडोना का चित्र बनाया था जो कि सजीवता एवं सुंदरता के लिए विख्यात था। तो दोस्तों, ये था चित्रकला। अब बात करेंगे हम लोग मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला यानी कि स्कल्पचर। अब देखिए, माइकल एंजेलो पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले।
पहले देखते हैं मूर्तिकार है इधर इस साइड, इधर चित मूर्ति है थोड़ा सा। मूर्ति है तो माइकल एंजेलो है। अब माइकल एंजेलो जहाँ चित्र की रचना कर रहे थे वहाँ मूर्ति भी ये बना रहे थे, तो अपने आप में प्रतिभा संपन्न थे। तो यह मूसा की मूर्ति इन्होंने बनाई है, मूसा की मूर्ति, और ईसा और मरियम की मूर्ति भी। तो दो मूर्तियाँ हैं, दो उनका ये है कृति है। तो देखिए ईसा और मरियम की मूर्ति की विशेषता है कि संत पीटर के गिरजाघर के गुंबद की छांव में इसे रखा गया। तो ईसा और मरियम की मूर्ति संत पीटर के गिरजाघर की गुंबद की छांव में है ये। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में शिल्पियों ने गोथिक शैली को छोड़कर, ठीक है, कौन सा शैली को छोड़कर, तो गोथिक शैली था उसको छोड़कर, उन्होंने जिस शैली को अपनाया था गोथिक शैली को छोड़कर, उन्होंने यूनान एवं रोम की शैली को अपनाया था। ठीक है, इस शैली में खिड़कियों, मेहराबों, गुंबदों के कलात्मक निर्माण पर ध्यान दिया गया था। और इसी युग की प्रधान इमारतों में सेंट पीटर, जहाँ जिसकी गुंबद की छांव में ईसा और मरियम की मूर्ति है, सेंट पीटर का गिरजाघर एवं लंदन के संत पॉल के गिरजाघर प्रमुख थे। नेक्स्ट है लोरेंजो गिवटी, जिसको गिवटी बोलता है, लोरेंजो गिवटी। इन्होंने गेट्स ऑफ पैराडाइज और फ्लोरेंस वेप्टिस्ट्री का जो है स्थापत्य इन्होंने रचना किया है, मूर्ति का रचना किया है। लोरेंजो गिवटी जो है इनका समय था, चूंकि ये भी इटली के थे, माइकल एंजेलो भी इटली के थे, इनका समय 1378 से 1455 का रहा है। यानी कि जो कहा जाए कि पुनर्जागरण की शुरुआत में ही ये थे, अर्ली रिनेसेंस के समय में थे। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एक सुनार थे और स्थापत्य के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद देखिए कुछ और नवजागरण काल में जो रहे मूर्तिकार हुए, डोनाटेलो, जो कि संत जॉर्ज और डेविड क्या इन्होंने निर्माण किया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे इटालियन साहित्य की, यानी कि इटली जो कि नवजागरण का केंद्र था उसमें लेखक कवि ने क्या क्या रचना की उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आता है नाम दांते का, जिन्होंने जिनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी। ये सारे फैक्ट्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के पूछे जाते। तो डिवाइन कॉमेडी है, और दूसरा है डी मोनार्किया। अब देखिए डिवाइन कॉमेडी के बारे में पहले बात करते हैं। डिवाइन कॉमेडी जो है तत्कालीन समाज का ये चित्रण था इसमें, जबकि डी मोनार्किया में पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण जो है दर्शाया गया था। जो है इन्होंने लिखा है, रचना किया है, तो दोनों ये साहित्य हैं। अब एक्चुअली ये याद रखिए कि ये दोनों जो दांते हैं ये कवि थे, ठीक है, कवि थे, पोएट थे। तो अपनी कविताओं के माध्यम जो कविता है इनके रचना डिवाइन कॉमेडी द डी मोनार्किया डी, ठीक है। अब इसके बाद पेट्रॉक हैं, ये भी कवि हैं, और इनकी रचना था अफ्रीका नामक लंबा गीत, ठीक है। अभी देखिए मानववादी मूल्यों की प्रतिष्ठा इस की बात की गई है इसमें, अफ्रीका नामक लंबा गीत में। उसके बाद मैकियावेली है, मैकियावेली एक लेखक थे, याद रखेंगे मैकियावेली लेखक थे, राइटर थे, और इन्होंने प्रिंस की रचना किया, इसमें राजनीतिज्ञों की मनोदशा का चित्रण किया गया प्रिंस नामक रचना में मैकियावेली की है। उसके बाद नेक्स्ट है बोकेसिए, ये भी राइटर हैं, और इन्होंने डेको मेरो यानी कि रोमांटिक कहानी का ये संग्रह था, ये जो इनका लेख जो इनका रचना है डेको मेरो, इसमें रोमांटिक कहानियों का संग्रह किया गया था। नेक्स्ट है इटालियन साहित्य की बात हो गई तो इटली का था, अब अंग्रेजी साहित्य जो कि इम्पोर्टेंट है अन्य देशों में जैसे इंग्लैंड वगैरह, तो
लेखक कवि हैं, यहाँ इनकी रचना है, इस तरफ देखिए लेखक हैं चौसर, चौसर एक लेखक है और इन्होंने कैंटबरी टेल्स की रचना की। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि देखिए ये जो रचना है यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद नेक्स्ट जो है अंग्रेजी साहित्य में दूसरे लेखक है सर टॉमस मूर है, यूटोपिया की उन्होंने रचना किया जिसमें मानवतावादी आदर्श राज्य का चर्चा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एडमंड स्पेंसर, ये भी लेखक हैं, तो तीनों जो है लेखक थे और इन्होंने फेरी क्वीन की रचना की है जिसमें नायक राजकुमार आर्थर की इच्छा का वर्णन किया गया है फेरी क्वीन में। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट और सभी लोग जानते भी हैं शेक्सपियर, इनकी रचना कई रचनाएं हैं जो कि मुख्य रूप से यहाँ आप देखेंगे हेमलेट, ठीक है, हेमलेट, मैकबेथ, ऑथलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट और भी है। अब देखिए मानव जीवन के हर पहलू पर इन्होंने शेक्सपियर ने लिखा है, मानव जीवन के हर पहलू पर, यही बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन, ये देखिए इन्होंने अटलांटिस और ए एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग की रचना किया और इन्होंने विज्ञान पर जोर दिया फ्रांसिस बेकन ने, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस स्लाइड में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो नवजागरण यानी पुनर्जागरण काल के जो व्यक्ति थे, रचनाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, वे लोग किस देश से संबंधित थे। ऐसा भी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रख सकते हैं कि हाँ इस देश से ये थे, क्योंकि पता चलता नहीं, देखिए व्यक्ति है और यह संबंधित देश है। देखिए कोपरनिकस बहुत ही बड़ी बात है, इन्होंने क्या किया था तो बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बार बताया था। आइए पोलैंड के थे, यूरोप का ही देश है, पोलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है जॉन केपलर, ये जर्मनी के निवासी थे जॉन केपलर। नेक्स्ट न्यूटन, कई सिद्धांत इन्होंने दिया है, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम वगैरह, तो देखिए ये इंग्लैंड के थे न्यूटन। उसके बाद देखिए गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन की खोज की और एक्चुअली आविष्कार किया, और ये इटली के थे। उसके बाद मार्टिन लूथर, ये जर्मनी के थे और मार्टिन लूथर ने जो है धर्म सुधार आंदोलन में बहुत ही बड़ी भूमिका का निर्वाह किया था। तो याद रखेंगे कि इन नेताओं की बुद्धिमानी एवं दूरदर्शिता के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन जो है सफल हुआ, मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी के थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट है कुछ और नाम है या कुछ उनसे संबंधित देश हैं, तो मार्टिन लूथर जैसा कि मैंने बताया ये जर्मनी के थे और इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाया। उसके बाद कुमेंस है, ये पुर्तगाल के थे। रेवेने जो कि फ्रांस के थे, फ्रांस से संबंधित थे, और इरास्मस जो कि हॉलैंड के निवासी थे। अब देखिए इरास्मस की व्यंग्यात्मक कविता, ठीक है, ये थी द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली, ये किनकी कविता थी जो कि व्यंग्यात्मक कविता थी, ये था इरास्मस की, ठीक है, जिसके माध्यम से चर्च की बुराइयों, जो चर्च की जो बुराई था उसकी आलोचना की गई थी, द कैसे द प्रेज ऑफ फॉली। नेक्स्ट है मार्को पोलो, जो कि एक खोजी यात्री थे और ये इटली के थे, भारत होते हुए चीन गए थे। नेक्स्ट क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने जो कि स्पेन के निवासी थे, 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, स्पेन के थे याद रखेंगे। हेनरी द नेविगेटर जो कि पुर्तगाल से।
देखिए हेनरी द नेविगेटर जो थे पुर्तगाल के, एक्चुअली पुर्तगाल का शासक थे ये, और 1300, ठीक है, 1394 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट खोजा था, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट खोजा था। अब देखिए मार्को पोलो है ये 13वीं सदी में इनकी खोज हुई है, 13वीं सदी में इन्होंने क्या खोजा, तो 13वीं सदी में इन्होंने जो खोजा वो था, देखिए ये इटली के शासक के संरक्षण में इन्होंने खोज किया था, इटली से लेकर चीन और उसके आगे जापान तक का मार्ग इन्होंने खोजा था, याद रखेंगे मार्को पोलो ने इटली से लेकर चीन एवं जापान तक का मार्ग खोज लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है बार्थोलोमियो डियाज की, जो ये भी पुर्तगाल के थे और शासक के पुर्तगाल के जो शासक थे उसके संरक्षण में थे, इन्होंने खोज किया, ये इनका समय था 1488, ठीक है 1488 में इन्होंने क्या खोजा था, तो उत्तमासा अंतरीप को इन्होंने खोजा था। ठीक है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात होगी, ये भी स्पेन के शासक के संरक्षण में थे और 1492 में अमेरिका ही खोज की थी, और पूरा एग्जैक्ट बताया जाए तो बहामास द्वीप जो है उसके खोज इन्होंने किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट है जॉन कैबोट, ये भी इटली के निवासी थे, इन्होंने भी इटली के शासक के संरक्षण में ही खोजा था 1497 में, ठीक है 1497 में न्यू फाउंड लैंड को, तो याद रखेंगे न्यू फाउंड लैंड को, बात करेंगे कुछ और व्यक्ति और संबंधित देश के बारे में, तो 14 नंबर में अमेरिगो बेस्पुसी जो कि इटली के ही निवासी थे, और अमेरिगो बेस्पुसी ने इटली के शासक के संरक्षण में अमेरिका का खोज किया था, इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, याद रखेंगे मूल रूप से अमेरिका का, और तो ये है, और देखिए इनका शासन जो समय था 1499 का था। देखिए अमेरिका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप का कुछ हिस्सा ये समझना होगा अमेरिका, ठीक है, तो पूरा अमेरिका जो है साउथ अमेरिका और कहा जाए कि नॉर्थ अमेरिका, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। उसके बाद भाई फर्डिनेंड मैगलेन, देखिए फर्डिनेंड मैगलेन ने जो कि पुर्तगाल के शासक के संरक्षण में इन्होंने फिलीपाइन द्वीप की खोज की थी, ठीक है 1519 में फिलीपाइन द्वीप की खोज इन्होंने की थी, फिलीपाइन द्वीप। नेक्स्ट है कार्बल, ये भी पुर्तगाल के शासक के संरक्षण में इन्होंने ब्राज़ील का खोज किया था, समय था इनका 1500 ईस्वी में ब्राज़ील का खोज किया था इन्होंने, ब्राज़ील, ठीक है, जो कि अमेरिका का ही एक देश है ब्राज़ील, तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील। अब बात करेंगे बास्को डिगामा, पुर्तगाल के थे और बास्को डिगामा 1458 ईस्वी में, यानी खोज देखिए बहुत ही पहले से शुरू था, ये भी पुर्तगाल के शासक के संरक्षण में थे, कालीकट पहुँचे थे भारत, ठीक है इंडिया के, जो कि वर्तमान में केरल है, अब उसका नाम बदल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन इसके पहले एक और नाम जोड़ लेते हैं यहाँ पर 18वें नंबर में, ये नाम है फ्रांसिस डेक, ठीक है फ्रांसिस ये डेक है, और इन्होंने क्या किया था ये भी जान लीजिए। फ्रांसिस डेक ने 1517 में, ठीक है 1517 ईस्वी में इंग्लैंड के संरक्षण में, इंग्लैंड के शासक के संरक्षण में विश्व का भ्रमण किया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इसमें दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा, लेकिन इसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों को
जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो पहले ही बन गए हैं, हर एक टॉपिक पर बने हुए हैं। तो दोस्तों उन सारे वीडियोस को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि जो हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी जो है एक तरह से कहा जाए कि अपने आप में मतलब ऑल टाइम जो है वो काम आएगा, मतलब जीके जीए, जो कि कोई बदलाव नहीं होता करंट अफेयर्स वाले वीडियो को छोड़कर। तो दोस्तों घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।